इंस्टाग्राम रील्स एल्गोरिथम चेंज हो गया है व्यूज को लेकर। हाँ जी गाइज, अब से पहले क्या होता था, जब आप अपने अकाउंट पर रील्स पोस्ट करते थे तो आपकी रील्स वीडियो पर व्यूज 1 आवर से 2 आवर्स के अंदर जितने आने होते थे वो आ जाते थे आपकी पर रील्स वीडियो के व्यूज के अकॉर्डिंग। आपकी रील्स वीडियो पर 1000, 2000, 3000 या 200, 500 इतने व्यूज 1 से 2 आवर्स के अंदर आ जाते थे। बट अब व्यूज़ को लेकर एल्गोरिथम चेंज हो गया है एंड यहाँ पर रील्स एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। गाइज अभी के टाइम में आपके साथ क्या सीन हो रहा है आप लोग खुद भी नोटिस कर लोगे एंड काफ़ी लोग तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहे हैं एंड वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं व्यूज़ नहीं आ रहे। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हो रहा है एल्गोरिथम को लेकर, एल्गोरिथम चेंज हो गया गाइज। पहले तो आपके क्या होता था, जैसे ही आप रील्स पोस्ट करते थे 1 आवर से 2 आवर्स के अंदर जो व्यूज आने होते थे वो आ जाते थे। जैसे ही आप अब रील्स को पोस्ट करते हो, पहले आपकी रील्स वीडियो पर 1 से 2 आवर्स के अंदर जितने व्यूज आने होते थे वो आ जाते थे। बट अब ऐसा हो गया है सीन, आपकी रील्स वीडियो पर 1 से 2 आवर्स के अंदर व्यूज नहीं आने, आपकी रील्स वीडियो पर बहुत ज्यादा स्लो स्पीड से व्यूज आएंगे। हो सकता है आपकी वीडियो पर 1 आवर्स या 2 आवर्स के अंदर 10, 20, 30, 50 व्यूज इतने ही आए, इससे ज़्यादा ना आए। हाँ जी, अब आपकी रील्स वीडियो पोस्ट होते ही एकदम से बहुत ज़्यादा व्यूज नहीं आने, एल्गोरिथम चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, रील्स पोस्ट होते ही 1 से 2 आवर्स के अंदर जितने भी व्यूज आने होते थे आपके आ जाते थे, 1000, 2000, 3000 इतने व्यूज आपके आ जाते थे आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग। बट अब पूरी तरीके से एल्गोरिथम चेंज हो गया है, अब आपकी वीडियो पर से व्यूज आएंगे। आपकी रील्स वीडियो को वायरल होने में 24 आवर्स भी लग सकता है या फिर 2 दिन लग सकते हैं, 1 वीक लग सकता है, 2 वीक लग सकता है, 3 वीक लग सकता है, 4 वीक। यहाँ पर काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, रील्स को पोस्ट करते हैं, उनकी रील्स वीडियो पर भाई व्यूज़ नहीं आने के, मैंने बोला है आपसे एल्गोरिथम चेंज हो गया है, तो उनकी वीडियो पर व्यूज़ वही आ रहे हैं 1 आवर्स में 2 आवर्स में 10, 20, 30, 40, 50। तो ऐसे में वो क्या कर रहे हैं, सेम फिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेम फिल कर रहे हैं, अपने अकाउंट से उस वीडियो को डिलीट कर दे रहे हैं ताकि उनका इंप्रेशन खराब ना हो। तो ऐसे में काफ़ी लोग क्या कर रहे थे, रील्स को पोस्ट कर रहे हैं, व्यूज़ एकदम से नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि वीडियो फ्रिज हो गया, इस पर व्यूज़ नहीं आने के, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी वीडियो को डिलीट कर रहे हैं। तो भाई डिलीट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये एल्गोरिथम चेंज हो गया है, आपकी इस वीडियो पर व्यूज़ आएंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है आपकी वीडियो 5 आवर्स के अंदर वायरल हो जाए, 8 आवर्स के अंदर वायरल हो जाए, 24 आवर्स के अंदर वायरल हो जाए, 1 वीक लग जाए, 2 वीक लग जाए, 3 वीक लग जाए, इतना भी टाइम आपकी वीडियो को लग सकता है। तो वीडियो को रिमूव ना करें, जो भी लोग वीडियो को डिलीट कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया कि एल्गोरिथम चेंज हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यदि आपकी वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक पर है, ट्रेंडिंग ऑडियो पर है, तो आपकी वीडियो पर 1 आवर्स 2 आवर्स या 1 वीक 2 वीक 3 वीक इतना नहीं लगने का टाइम। जैसे ही आपने ट्रेंड पे वीडियो बनाया है, वो ऑडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, जो वीडियो आपने बनाया है वो ट्रेंड में चल रहा है, तो वो जैसे ही पोस्ट होगा उस पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो आपकी वीडियो 1 आवर्स के अंदर 1 लाख व्यूज़ ले सकती है, 1 मिलियन व्यूज़ ले सकती है, वीडियो पोस्ट होते ही व्यूज़ आना एकदम स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रेंडिंग टॉपिक पर अगर काम करोगे तो व्यूज़ इस तरह आएगा, अदरवाइज जिस ऑडियो पर आप वीडियो बना रहे हो, जो वीडियो आप बना रहे हो, वो वीडियो एंड वो ऑडियो ट्रेंड में नहीं है, तो उस पर व्यूज आने में थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से उस पर व्यूज नहीं आने का। हाँ जी, उस पर व्यूज एकदम नहीं आना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हो सकता है 1 वीक वायरल होने में लग जाए या 2 वीक। ऐसा इंस्टाग्राम पर बहुत सारे क्रिएटर के साथ हो रहा है, उनकी रील्स वीडियो वायरल 2 वीक या 3 वीक के बाद वायरल हो रही है, 1 मंथ भी लग जाता है, इससे ज़्यादा भी लग जाता है। जैसे कि आज आपने वीडियो पोस्ट किया, यही वीडियो आपकी 2 वीक 1 वीक या 3 वीक 4 वीक ले लेती है वायरल होने में। यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं उस वीडियो को रिमूव कर देते हैं कम व्यूज़ देखकर। हो सकता है गाइज आपकी यही वीडियो 2 वीक या 3 वीक के बाद वायरल हो जाए। हाँ जी, जो लोग रिमूव नहीं कर रहे उनकी वो वीडियो वायरल हो जा रही है 2 वीक 3 वीक के बाद, और जो लोग रिमूव कर रहे हैं उनकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, ऐसे में उनकी आईडी फ्रीज होती जा रही है, जो बंदे ज़्यादा वीडियो को अपने अकाउंट से डिलीट कर रहे हैं।
तो एल्गोरिथम आपकी समझ में आ गया, एल्गोरिथम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब आपकी वीडियो पर इतने व्यूज एकदम से नहीं आने जितने आपके पहले आते थे आपके अकाउंट पर 1 आवर से 2 आवर्स के अंदर। जितने आपके अकाउंट पर व्यूज आते हैं पर रील्स वीडियो, वो व्यूज आपके आएंगे उस रील्स वीडियो पर भी, बट अब टाइम ज्यादा लगेगा। हो सकता है 8 आवर्स लगे उतने व्यूज आने में जितने आपके पहले आते थे, या 24 आवर्स लगे, 1 वीक लगे, व्यूज उतने ही आएंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा। एल्गोरिथम इस तरह से चेंज हो गया। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने आता व्यूज को लेकर। एल्गोरिथम आप समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।